माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, ये उचित नहीं परंपरा है, बैठिए। बैठ जाइए प्रहलाद जी, बैठ जाइए। आप लोग सीनियर हैं, आप लोग बैठ जाइए पहले। आजपाल माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के खष्टम सत्र, नहीं आपकी कोई बात पोस्टिंग में नहीं जाएगी, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वरिष्ठ सदस्य हैं माननीय सदस्य सत्यदेव जी, वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। समय मिलेगा आप, कोई प्रारंभ होने के समय इस तरह की कोई बात करना अशोभनीय है, बैठ जाइए आप। माननीय सदस्यगण, नए सदस्य आपको देख रहे हैं, आपकी गरिमा बढ़ नहीं रही है, आपकी गरिमा नहीं बढ़ रही है, नहीं माननीय, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कोई डायरेक्शन नीचे से नहीं, बैठ जाइए, अभी आदेश शासन का है, बैठ जाइए, नो, बैठ जाइए, नो, कोई विषय नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ये उचित है। माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के खष्टम सत्र के शुभारंभ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान सदस्य सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयकों के लिए 2 दिन, विनियोग विधेयक तथा गैर सरकारी संकल्प के लिए 1-1 दिन निर्धारित है। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक मूल्य सदा से हम भारत के लोगों के स्वभाव का अंग रहा है। संवाद से समाधान तक पहुंचना, शासन की स्वच्छता शक्तियों पर सीमाओं का आरोपण तथा विधि का शासन प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है। 75 वर्ष पूर्व जब हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ तो यही भाव, यही स्वभाव लेकर हम आगे बढ़े। हमारे लिए संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक विचार है, हमारी निष्ठा का प्रतीक है, पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। आज जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने उज्जवल अतीत को याद करते हुए हमें उज्जवलतर भविष्य की ओर देखना है। अपनी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप दायित्व को निभाने का प्रयास करना है। अधिकार और कर्तव्य के बीच एक संतुलन साधना होगा, क्योंकि यदि हमारे अधिकार हैं तो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं, और कर्तव्य है तभी भी अधिकार मजबूत होते हैं। इसलिए आज पूरा देश एक स्वर में कर्तव्य बोध की बात कर रहे हैं। हम और आप जैसे जनप्रतिनिधि संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिनिधि हैं, अतः हमें अपने मन, वचन और कर्म से इन मूल्यों का न केवल पालन करना है, बल्कि जन जन तक इस चेतना को लेकर भी जाना है। माननीय सदस्यगण, जिस बिहार की मिट्टी से हम और आप जुड़े हैं, उसकी गौरव गाथा कोई क्या कहे, कितना कहे, जितना कहेगा कहने को उतना ही शेष रह जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि अपनी गौरवशाली विरासत को संजोते हुए उसमें अपना सार्थक योगदान भी करें। हमारे बिहार विधानसभा भवन के 57 वर्ष को एक मील का पत्थर मानते हुए हम अपनी विरासत को जन सामान्य तक ले जाने के लिए विधानसभा परिसर में एक डिजिटल संग्रहालय बनाने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा किया। मुझे बेहद खुशी है कि वे न केवल इस विचार से सहमत हुए, बल्कि हर प्रकार से सहयोग करने का विश्वास दिलाया, और इसमें सभी माननीय सदस्यों के अच्छे किए हुए उत्कृष्ट कार्य का भी विवरण रहेगा, जो ऐतिहासिक होगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है। इसी प्रकार हमारी सरकार एमएलए होस्टल तथा अतिथिशाला के निर्माण में भी सराहनीय सहयोग दे रहे हैं, जो विधायकों के हित के लिए भी आवश्यक है।
माननीय सदस्यगण, आज देश में विधायिका को अधिक से अधिक समावेशी और जनमुखी बनाने की बात हो रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्कृष्ट विधायिका के मानदंड निर्धारित हो रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के सभापतित्व में उत्कृष्ट विधायिका के पैमाने तय करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उत्कृष्ट विधायिका के जो भी मापदंड निर्धारित हों, उन सभी मापदंडों पर हमारी विधायक बिहार की विधायिका श्रेष्ठतम साबित हो, और ऐसा होना लाजमी भी है।